दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दो प्रखंड के दर्जनों गांव को जोड़ने वाली अभिया बाजार जाने वाली सड़क बदहाल। विक्रम बने महामंत्री, सोनू बने अध्यक्ष। युवा राजद का युवा संवाद कार्यक्रम आज। नारायणपुर में 110 लोगों का सैंपल जांच में भेजा। गोपालपुर के सुखतिया बाजार में सील बेअसर। नवगछिया के वरिष्ठ समाज सेवी का निधन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक सभा। नारायणपुर में संगठन दुरुस्त करने में जुटी भाजपा टीम। नौगछिया गनौल के युवक का शव हिमाचल में मिला। सड़क दुर्घटना में युवक घायल, मायागंज रेफर। अब खबर विस्तार से। दो प्रखंडों के दर्जनों गांव को जोड़ने वाली अभिया बाजार जाने वाली सड़क बदहाल। गोपालपुर व इस्माइलपुर प्रखंड के दर्जनों गांव को जोड़ने वाली अभिया बाजार जाने वाली सड़क पिछले 15 वर्षों से बदहाल होकर अपने उदारक की बाट जो रहा है। बताते चलें कि अभिया बाजार नौगछिया बाजार बसने से पूर्व इस इलाके का महत्वपूर्ण बाजार हुआ करता था। नौगछिया बाजार के अधिकांश मारवाड़ी समाज के व्यवसायी अभिया बाजार से पलायन कर नौगछिया को अपना आसियाना बनाए हैं। लत्ती पाकर से अभिया बाजार जाने वाली सड़क पिछले 15 वर्षों से रखरखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गया है। काफी जद्दोजहद के बाद लोकसभा चुनाव के करीब 6 माह पूर्व स्थानीय जदयू विधायक ने इस सड़क के जीर्णोद्धारी कार्य का शिलान्यास किया। उसके बाद सड़क के जीर्णोद्धारी कार्य प्रारंभ कर ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया गया, परंतु सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण यह सड़क पुनः अपनी पुरानी अवस्था में पहुंचने लगा है तथा हल्की बारिश में ही सड़क पर जल जमा हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी आने जाने में परेशानी होती है। अभिया निवासी राजद के प्रखंड सचिव सह मीडिया प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने कहा कि अभी सड़क निर्माण हेतु राजद कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस निर्माणाधीन सड़क का प्राकलन नए सिरे से बनाकर स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। विक्रम बने महामंत्री, सोनू बने अध्यक्ष। संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन एवं प्रदेश महामंत्री प्रवीण भगत ने प्रदेश कमेटी के निर्णय पर नौगछिया के युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल को, संपूर्ण वैश्य समाज भागलपुर प्रमंडलीय युवा अध्यक्ष एवं विक्रम स्वर्णकार को भागलपुर प्रमंडलीय महामंत्री के पद पर मनोनीत किया है। मनोनयन पत्र मिलते ही सोनू जायसवाल ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि मुझे जो यह जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन बेखूबी से करने का प्रयास करूंगा। युवा राजद का युवा संवाद कार्यक्रम आज। नौगछिया के जिला राजद कार्यालय में 17 जून बुधवार को नौगछिया में वर्तमान जन परिस्थितियों पर युवाओं के साथ विचार विमर्श हेतु युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। युवा संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव होंगे। इस कार्यक्रम में पुलिस जिला नौगछिया के युवा राजद से जुड़े कार्यकर्ता भाग लेंगे। नारायणपुर में 110 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा। नारायणपुर पीएससी से कोरोना महामारी को लेकर पीएससी चिकित्सा पदाधिकारी, पीएससी कर्मी, एएनएम, आशा, ममता, पत्रकार, पुलिस पदाधिकारी, मुखिया, डॉक्टर सहित लगभग 110 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। आशय की जानकारी पीएससी पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी ने दी। गोपालपुर के सुखतिया बाजार में सील बना बेअसर। सुखतिया बाजार के एक ही मोहल्ले के 4 कोरोना मरीज मिलने से 2 दिन पूर्व मुखिया गौतम शर्मा व सरपंच देवन हरिचंद द्वारा पदाधिकारियों के निर्देश पर सुखतिया बाजार के 3 किलोमीटर के दायरे में सील कर बाजार की दुकानों को बंद करवा दिया गया था और चौकीदार की प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी, परंतु कुछ आवश्यक कार्यों का हवाला देकर ग्रामीणों द्वारा मुख्य सड़क से सील को हटा दिया गया है। मुख्य सड़क से सील हटते ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और लगभग सभी दुकानें खुल गई है। दूसरी ओर कोरोना मरीज के परिजन भी खुलेआम दिन भर सुखतिया बाजार की सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिस कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। बताते चलें कि गोपालपुर प्रखंड में अब तक 16 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। वीडियो प्रियंका ने बताया कि बुधवार को सुखतिया बाजार को पुनः सील किया जाएगा। नवगछिया के वरिष्ठ समाजसेवी का निधन। नौगछिया बाजार के वयोवृद्ध समाजसेवी नवाह परायण यज्ञ समिति के अध्यक्ष महर्षि महे संत सेवी सतमत नौगछिया मंदिर के अध्यक्ष श्याम सुंदर केडिया का मंगलवार की संध्या देहांत हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनके 4 पुत्र, 1 पुत्री और पोते
पोतियों से भरा पूरा परिवार है। बताते चलें कि श्याम सुंदर केडिया हमेशा समाज के कार्य में अग्रसर रहते थे और सत्संग प्रेमी थे। इनके देहांत से पूरे नौगछिया में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर्गीय श्याम सुंदर केडिया के पुत्र वकली नौगछिया गरीब नौगछिया के मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने बताया कि उनके पिताजी की एकाएक तबियत खराब हो गई और जब तक वे लोग कुछ करते उनका निधन हो गया। गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिजन गहरे सदमे में हैं। वहीं क्ली नौगछिया गरीब नौगछिया के श्रीधर शर्मा, चंद्रगुप्त शाह, सुनील जोशी, विक्रम बुडोलिया, मारवाड़ी युवा मंच के सुभाष वर्मा, नवापरायण यज्ञ के दिनेश सराफ, श्याम भक्त मंडल के अनिल केजरीवाल सहित कई अन्य ने शोक व्यक्त किया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक सभा। क्षत्रिय संघ पुनामा प्रताप नगर के सदस्य द्वारा मां दुर्गा मंदिर के प्रांगण में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा के शांति के लिए शोक सभा आयोजित किया गया तथा एक मिनट मौन धारण किया गया। मौके पर नन्हे सिंह राजपूत, ठाकुर शुभम सिंह, छोटू सिंह, सूरज सिंह, राजा सिंह, बिक्कू सिंह, रोशन सिंह, हर सिंह, माया शंकर सिंह, अशोक सिंह सहित कई अन्य शामिल थे। नारायणपुर में संगठन दुरुस्त करने में जुटी भाजपा टीम। नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव में मंडल अध्यक्ष पवन यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को जनसंपर्क के तहत आम लोगों के बीच पत्रक बांटकर भाजपा टीम द्वारा जागरूक किया जा रहा है। वहीं मौके पर विजय सिंह, दिनेश यादव, शशिभूषण यादव, पंकज झा, डब्लू मंडल, रंजीत गुप्ता, संजय शर्मा, मोहम्मद मुन्ना, सोनू शर्मा, पिंटू शाह, कौशल किशोर मिश्र, चित्र रंजन सिंह सहित अन्य बड़ी संख्या में भाजपा टीम के सदस्य लगे हुए हैं। नारायणपुर गनौल के युवक का शव हिमाचल में मिला। नारायणपुर प्रखंड के गनौल गांव के उचित मंडल के पुत्र करीब 40 वर्षीय अमित कुमार मंडल का शव हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पुलिस ने नवंबर 2019 में बरामद किया था, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर पंचनामा कराया। तब से इस मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके पास से मिले पहचान पत्र के आधार पर नौगछिया नारायणपुर के भवानीपुर पुलिस को मेल करने पर बातचीत हुआ है। पहचान के लिए भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार ने भवानीपुर साइबर सेनानी ग्रुप में मृतक की फाइल, फोटो, पहचान पत्र को पोस्ट किया तो गनौल के सरपंच संजय सहनी ने मृतक अमित मंडल के पड़ोसी डब्लू शाह को फोटो दिखाया, जिस पर पहचान करने पर अमित के पिता की मौत पहले हो चुकी है, इसलिए उसके पड़ोसी ने उसकी पहचान कर बताया कि अमित अकेले हिमाचल में रहकर एक होटल में काम करके जीविका चलाता था। वहीं पड़ोसी द्वारा पहचान होने पर भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि उससे मृतक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके परिजनों का मोबाइल नंबर उपलब्ध करके जानकारी एकत्र होने पर पुष्टि हो सकेगा कि यह फोटो अमित का है या नहीं। सड़क दुर्घटना में युवक घायल, मायागंज रेफर। खरीक थाना क्षेत्र के NH 31 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे अनियंत्रित ऑटो से गिरने से झंडापुर निवासी मोहम्मद इब्राहिम 25 वर्षीय बुरी तरह से घायल हो गया। घायल की जानकारी मिलने पर पहुंची खरीक पुलिस ने घायल को इलाज के लिए खरीक PSC में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। नवगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे GS न्यूज परिवार के। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, SCBSE अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934851177 9934
8585177। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध। नौगछिया अनुमंडल तथा भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल।